व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आज की ये वीडियो है फिजिक्स 101 के जीडीबी के बारे में जो शेड्यूल हो चुका है 28 दिसंबर 2023 को लेकिन ये ओपन होगा 2 जनवरी को और दो दिन तक ये ओपन रहेगा तब आप इसका जवाब सबमिट करवा सकते हैं 2 जनवरी और 3 जनवरी जनवरी रात बारह इसका टाइम है पांच नंबर का ये क्वेश्चन है और एज यूजल सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगी बल्कि पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कि आपसे डिमांड क्या की गई है उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है सब कुछ बताऊंगी इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और पूरी वीडियो को समझने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है चलते हैं अपने जीडीबी की तरफ तो जी में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ये है कि डू यू थिंक मैग्नेटिज्म प्लेज एन रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी ठीक है कि वो मैग्नेटिज्म के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है आपका क्या ख्याल है कि क्या मैग्नेटिज्म जो है उसका इंसानी जिंदगी में कोई रोल है या आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो हेल्पफुल है हेल्प आउट कर रहा है या नहीं तो कहते हैं इधर यस और नो कि आपका आंसर यस है या नो जो भी है आपने उस आंसर को अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ देना है यानी सिर्फ यस और नो आंसर नहीं देना अगर आपका आंसर यस है तब भी आपने उसके साथ अपनी जस्टिफिकेशन देनी है कि हाँ इस वजह से यस है और अगर नो है तब भी आपने उसकी वजह बतानी है साथ में ठीक है उसके बाद उन्होंने पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपका आंसर क्लियर और कंसाइज होना चाहिए आंसर देना है वो कहते हैं वन थर्टी वर्ड से ऊपर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए उसके अलावा आपने जो है वो फोन स्टाइल टाइम रोमन और फोन साइज ट्वेल्व रखना है ठीक है और आंसर आपने अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करना है ठीक है ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी क्वेश्चन की अच्छा उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मजीद आपको ताकि अपने विज्यू के बारे में और मजीद मेरे चैनल पर वीडियोस आने वाली अपडेट्स मिलते रहें उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो सबसे जो है फॉलो कर लें काइंडली ताकि आपको बर वक्त आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसके अलावा जितनी भी वीज्यू के बारे में अपडेट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी अच्छा मैं अब आपको ये क्वेश्चन या इसका सोल्यूशन समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैग्नेटिज्म है क्या जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिज्म का इंसानी जिंदगी में ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या रोल है तो मैग्नेटिज्म एक फिजिकली एक फिजिकल फेनोमेना है ठीक है क्योंकि ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है आप लोगों ने फिजिक्स वैसे तो फिजिक्स वन वन में इस पे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की गई लेकिन ये जो है वो इसकी थोड़ा बहुत जिक्र आया है आप लोगों के एक कांसेप्ट्स आया है कि मैग्नेटिज्म होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या तो अट्रैक्ट हो या रिपल यानी उनका आपस में कशिश करना या दूर जाना ये जो ये जो फोर्सेस लगती हैं मैग्नेटिज्म है इसी चीज का पूछा गया है कि इसका इंसानी जिंदगी में या आजकल की टेक्नोलॉजी में कितना असर है आपको क्या लगता है ठीक है कितना रोल ये प्ले करता है तो मैंने यहाँ पे ये जो सोल्यूशन दिया है मैं ये आपके सामने इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मैंने ये लिखा है कि यस मैग्नेटिज्म इज अ क्रूशल फॉर बोथ ह्यूमन लाइफ एंड कट एज टेक्नोलॉजी कि जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन लाइफ दोनों में ही इसका बहुत अहम किरदार है अब इंसानी ज़िंदगी में अगर इंसानी बॉडी की बात की जाए इन द्यूमन बॉडी इट एड्स नर्व फंक्शन नर्व फंक्शन में ये हमें हेल्प करता है एंड सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को भी ये जो है वो सपोर्ट करता है उसके अलावा मैग्नेटिक मटीरियल यूज होते हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कि स्मार्टफोन सेंसर्स हो गए एम करने वाली जो मशीन होती हैं उनके अंदर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स के अंदर भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं डिवाइसेस को बनाने में ठीक है उसके अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं दैट सिग्निफिकेंस इंक्लूड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें इस जो मैग्नेटिक लेविटेशन levi, है ये बढ़ती जा रही है ठीक है यानी अब ये चीज ज्यादा यूज हो रही है एडिशनली मैग्नेटिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग के अंदर भी ये यूज हो रहा है वेर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर क्रूशियल टू कम्प्रीहेंड एंड मेनिपुलेट ठीक है वो कहते हैं कि कंप्यूटिंग के अंदर भी ये यूज हो रहा है जहाँ पे हमें कंप्यूटिंग के लिए या मतलब तो आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम्स बन रहे हैं उनमें चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए या कंपरी करने के लिए समझने के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैग्नेटिज्म के इम्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इन्फ्लुन्शियल चीज़ बन गई है बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी की बात की जाए मेडिकल की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइसिस की बात की जाए मेडिकल की बात की जाए हर फील्ड में ही हर इंडस्ट्री में ही जो है ये इसको मतलब मुख्तलिफ तरीके से अब इसका यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की बात की जाए या वैसे इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होना शुरू हो गया है तो ये मैंने आपके सामने एक आंसर दिया है एक आंसर आंसर जो मैंने आपको समझाया वही है लेकिन कुछ वर्डिंग चेंज करके मैंने यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन भी आपके सामने दे दिया है आप ये भी लिख सकते हैं वो भी लेकिन सेम इसको ऐसे ही नहीं लिखना आपका ठीक है क्योंकि और किसी स्टूडेंट का भी आपके साथ सेम हो सकता है तो आपके मार्क्स जीरो हो सकते हैं आपने इसकी वर्डिंग चेंज करके आप इसको लिख सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन मेरा मकसद था आपको क्वेश्चन समझाना और कंसेप्ट देना कि आपसे क्या पूछा गया है अब इसकी वर्डिंग चेंज करके आप यहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं इसका पीडीएफ जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी लेकिन अगेन मैं आपको बता

वन थर्टी वर्ड्स के अंदर अंदर आपने ये आंसर लिखना है आई होप आपको जो है ये आंसर समझ में आ गया होगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए दें इजाजत अल्लाह हाफिज